नमस्कार साथियों, टीटीएवी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वोल्टेज और करंट में संबंध। साथियों, आपने ओम के नियम के अनुसार देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा साथियों, ओम का जो नियम होता है उसके अंदर होता है V बराबर I इंटू R। ठीक है, V बराबर I इंटू R। साथियों, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जब जब हमारी वोल्टेज बढ़े तो तब तब हमारी करंट भी बढ़नी चाहिए, और जब हमारी वोल्टेज कम हो तो करंट भी कम होनी चाहिए। लेकिन जब हम साथियों प्रैक्टिकली भाषा में देखते हैं तो प्रैक्टिकली भाषा में देखते हैं कि जो हमारी करंट है, ठीक है, जो हमारी करंट है, अगर करंट को बढ़ा दिया जाता है साथियों, आई को बढ़ा दिया जाता है, तो यहां पर जो हमारी वोल्टेज है वो कम हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि यहां पर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है साथियों, तो हमारी यहां पर करंट कम हो जाती है। मतलब बिल्कुल अपोजिट चलता है, प्रैक्टिकल में अलग है और हमारा यहां पर जो ओम का नियम है उसके हिसाब से अलग है। तो इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है? साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि दोनों सही है। ठीक है, यहां पर दोनों सही है, ये प्रैक्टिकल वाला भी सही है और ये ओम के नियम वाला भी सही है। लेकिन सही कैसे है साथियों? यहां पर क्या होता है कि यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और यहां से साथियों थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है, हमने इसको यहां से 11 केवी दे दिया। ठीक है, 11 केवी दे दिया, मतलब 11000 वोल्टेज हमने इसके यहां से इसके साथियों फ्लो करवा दिया। लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं तो हमें मिलता है 440 वोल्टेज, 440 वोल्टेज। और साथियों 440 वोल्टेज के साथ साथ यहां पर जब हम करंट दे रहे थे तो यहां पर था हमारा 5 एम्पियर और बाद में हमें यहां पर मिलता है लगभग 100 एम्पियर। ठीक है, एक बार के लिए मान लीजिए, मतलब हमने जैसे ही यहां पर वोल्टेज को कम किया तो यहां पर करंट बढ़ गया साथियों, क्योंकि यहां पर तो 5 एम्पियर ही था और यहां पर हमारे पास 100 एम्पियर हो चुका। तो ये एक्चुअल में हुआ क्यों? क्वेश्चन हमारा यही है। ठीक है, तो साथियों ये हुआ क्यों? क्योंकि यहां पर जो पावर होती है ना साथियों, पावर जो होती है ना, पावर यहां पर कॉन्स्टेंट होती है। कॉन्स्टेंट का मतलब साथियों यहां पर 100 वाट होती है। ठीक है, यहां पर 100 वाट होती है और यहां पर भी 100 वाट ही हमें देखने को मिलती है। और साथियों यह जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ना, आर कांस्टेंट रहेगा, तभी हमें यहां पर यह वाली कंडीशन देखने को मिलेगी कि जब हमारी वोल्टेज बढ़ाई जाए तो हमारी करंट भी बढ़ेगी। लेकिन इस कंडीशन के लिए यहां पर जो आर है, जो रेजिस्टेंस है, वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए साथियों। कॉन्स्टेंट का मतलब विपरीत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन यहां पर हमें देखने को मिलता है कि यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं होता। ठीक है, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं होता और यहां पर जो हमारी वाट है वही कॉन्स्टेंट होती है। और अगर बात करें ओम के नियम की, तो साथियों ओम के नियम को वाट से कोई मतलब ही नहीं है। ओम के नियम को सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस से मतलब है। अगर रेजिस्टेंस हमारा स्थिर है, ठीक है, रेजिस्टेंस स्थिर है साथियों, तो यहां पर जब वोल्टेज को कम किया जाएगा तो उसके साथ करंट भी कम होगा, और जब करंट को बढ़ाया जाएगा तो यहां पर वोल्टेज भी बढ़ेगा साथियों। लेकिन कंडीशन एक, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट होना चाहिए। और यहां पर साथियों क्या होता है, वाट कॉन्स्टेंट होता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध एक स्थिर नहीं होता, रेजिस्टेंस घटता बढ़ता हुआ रहता है और यहां पर वाट स्थिर रहता है। इसीलिए यहां पर क्या होता है कि जब भी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो करंट घटती है, और जब वोल्टेज को कम किया जाता है तो करंट बढ़ती है साथियों। इतनी बात आप सभी को याद रखनी होगी। मतलब सीधी सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं तो प्रैक्टिकल के अंदर जो वाट है वो स्थिर होती है साथियों, वाट स्थिर होती है। इस कारण क्या होता है, वाट स्थिर होने के कारण हमारा जो करंट और वोल्टेज है ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं। मतलब जब वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, वोल्टेज को जब बढ़ाया जाएगा तो करंट हमारी आई जो है करंट कम हो जाएगी। और यहां पर इसके अंदर क्या होगा, जब रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट होगा, और अगर साथियों यहां पर रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस स्थिर नहीं है, तो यहां पर भी हमें यही कंडीशन देखने को मिलेगी, जब जो वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा तो करंट कम हो जाएगी। लेकिन ओम के नियम में ऐसा नहीं होता। ओम के नियम के अनुसार रेजिस्टेंस को स्थिर रखिए, वोल्टेज को बढ़ाइए, करंट भी बढ़ने लगेगा। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।